हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों को लर्निंग सेंटर अड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फोर्थ क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग तीन क्लास खत्म कर चुके हैं, आज चौथी क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो भी वीडियो क्लास चले हैं वीडियो, वो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप लोगों को कोई त्रुटि या कोई ऐसा शिकायत नहीं है कि जो समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, चलते हैं हम लोग आज का रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात का चौथी क्लास की ओर। और यह क्लास में हम लोग यानी बेस्ट बेस्ट बनाने के लिए हम लोग यानी सिंपल तरीका यानी सिंपल मेथड से इसको बनाने की कोशिश करेंगे। अगर यह मेथड समझ में आ जाता है तो आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भूलिएगा नहीं, यानी शॉर्ट ट्रिक मेथड से, नो ट्रिक, बेसिकली हम लोग बनाएंगे। और बेसिकली कॉन्सेप्ट रहेगा तो ऑटोमेटिक कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बना सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि न्यू न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। ठीक, अभी नहीं, अब लास्ट पूरी वीडियो देख लीजिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगता है तभी इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं हम लोग क्लास की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12 तथा 30 की तृतीय अनुपाती और मध्य अनुपाती का अनुपात क्या होगा। तो पहले तृतीय अनुपाती का होता क्या है, तृतीय अनुपाती बराबर क्या होता है, तृतीय अनुपाती होता है बी स्क्वायर बाटा ए, बी स्क्वायर बाई ए। तो डी कौन सा है, तो बी स्क्वायर बाई ए। तो 30 से 30, देखिए 12 को ए मान लेंगे और 30 को बी मान लेंगे। तो देखते हैं 30 के स्क्वायर बाई 12 कितना हो जाए, 30 गुने 30 इजकल टू 12, ठीक है। तो 10 है 30, 10 चौथी है 12, 2 से कटाइए 15 दूनी 30 और 5 दूनी 10, 15 5 75, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 75। आंसर नहीं होगा, ये तो हो गया। अब क्या होगा, मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती वगैरह क्या होता है। तो आज हम लोग फर्स्ट क्लास में बताए थे कि मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, ये सब का हम लोग फर्स्ट यानी बेसिकली बताए थे। तो आप लोग बता सकते हैं कि मध्य अनुपाती बराबर होता क्या है, ए इंटू बी, पहला पद इंटू दूसरा पद, देखते हैं क्या होगा। अंडर रूट पहला पद क्या है, 9 इंटू 25, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 के क्या करेंगे तोड़ देंगे, 3 इंटू 3 अगुने 5 इंटू 5, रूट के अंदर दो सेम नंबर रहता है उसको एक नंबर को बाहर निकाल देते हैं, 3 एक बाहर निकल गया 5, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। अब करेंगे अनुपात क्या होगा, अनुपात बराबर निकाल देंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा, 15 75 बाई 15 15 5 75, 5:1 यानी 5:1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 1। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 32 नंबर क्वेश्चन को। 32 नंबर क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर तथा x माइनस y का तृतीय अनुपाती क्या होगा, तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती का सूत्र अभी बताए हैं, तृतीय अनुपाती का सूत्र दोस्तों बताए हैं, अनुपाती का सूत्र क्या बताए हैं अभी आप लोग देखिए, इसको रट जाना है, तृतीय अनुपाती, मध्य अनुपाती। तो चलिए, तृतीय अनुपाती बराबर होता है बी स्क्वायर बाई ए।
अब बी किसको मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, ए या इसको बी मानते हैं, फर्स्ट वाले को ए और सेकेंड वाले को बी मानेंगे, तभी कंसेप्ट क्लियर होगा। तो देखेंगे यानी एक्स माइनस वाई के स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर रहता है दोस्तों, जब स्क्वायर रहता है तो उतना का दो बार उतना का गुना कर देते हैं, उतना को क्या करेंगे दो बार गुना कर देते हैं। चलते हैं तो कितना हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई कर देंगे नीचे, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र क्या होता है दोस्तों, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई होता है, यानी एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसको याद कीजिएगा। अब देखेंगे इसको इसको क्या कीजिए, कटा देंगे, कटा देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर एक्स प्लस वाई कुछ। अब क्या कह रहे दोस्तों, आ गया तृतीय अनुपाती बराबर आ गया, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा बी। एक कह रहा है कि 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, देखिए तो कह रहा है कि 21, 38, 55 और 106 में क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि वह नई संख्या के समानुपाती हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन वाइज लिख लेंगे, 21/38 = 55/106 ठीक। अब ऑप्शन वाइज लेके चलेंगे क्या, पहले हम दो को घटाएंगे, दो को घटाते हैं तो दो को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 19, आई कितना होगा 36, ई कितना हो जाएगा 53, आई कितना हो जाएगा 104। देखिए तो इसका गुणनखंड है, गुणज है कोई नहीं है, इसका कोई गुणज है नहीं है, तो ये जो है कभी ऑप्शन नंबर एक नहीं होगा ठीक। ऑप्शन नंबर दो के लेके ये चार, अगर इसमें से चार घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 17, इसमें चार घटाएंगे तो 34 = इसमें चार घटाएंगे तो 151, इसमें चार घटाएंगे तो दोस्तों 102। अब देखेंगे गुणज है कि नहीं है, अब देखेंगे 17 + 51 तीन गुना है, ये विधि तीन गुना है क्या, चलती है बात, हाँ तीन गुना है, यानी इसका जो सटीक आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 4, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। 34 नंबर कह रहा है कि 6:7 में प्रत्येक पद में से छोटी से छोटी कौन सी घटाई जाए कि नए पदों का अनुपात इतना हो जाएगा। तो सेम इसी तरह है दोस्तों 6 / 7 में क्या घटाया जाए, यानी क्या घटाया जाए, क्या हो जाएगा 16/21 हो जाएगा। इसको हल कर देंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, 21 में 6 से गुणा करें, 6 × 6 = 12 माइनस 21x बराबर 7 × 42 = 4 और 7 × 4 = 11 और माइनस 16x हो गया। और देखिए प्लस इधर है माइनस, यानी 126 - 112 = -16x, इधर के माइनस उधर जाकर प्लस, कितना हो जाएगा दोस्तों इसको घटाएंगे तो 12 × 2 = 24 यानी 14 = इसको घटाएंगे प्लस माइनस माइनस घटेगा और चिन्ह क्या होगा प्लस का, तो कितना हो जाएगा 16 × 5 यानी 5x, यानी x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 14/5 ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 × 10 = 8/40 2.8 यानी 2.8 मतलब लगभग 3, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दो। थर्टी फाइव नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कर 15:19 यानी 15/5 अनुपात को प्रदर्शित करने वाले दोनों संख्याओं का ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए, क्या घटाया जाए, यानी एक्स या माइनस इसमें एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों
थ्री बाई फोर हो जाएगा। इसी से क्रॉस मल्टीपल करेंगे 1500 का 60 माइनस 4x इक्वल टू 29 27 7 2 3 2 5 57 माइनस 3x। ठीक, ये प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 60 माइनस 57 इक्वल टू माइनस 3x, ऊपर माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 4x, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू, कितना घटाएंगे तो ये यानी प्लस माइनस माइनस घटेगा और चीन क्या प्लस के यानी 3 में x में से 4x घटेगा तो 1x, यानी 1x लिखा नहीं तो x, x की वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, क्या 3, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3 यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन को, तो इसको लिखेंगे 3x प्लस 3x बाई 5x, अब बढ़ोतरी कर रहे हैं ना, तो बढ़ोतरी कर रहा है 10, क्या बढ़ोतरी करना है तो प्लस 10 है, प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 5/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 70 का 21 x प्लस 70 इक्वल टू 50 x प्लस 50, इधर प्लस है इधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस 21x या माइनस 25x इक्वल टू 50 या माइनस 70, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 4x या बराबर माइनस 20x, ये माइनस माइनस कैंसिल यानी x बराबर दोस्तों हो जाएगा 20/4, पंचों के 20 x की वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, यानी x की वैल्यू हो जाएगा 5। अब कह रहा है कि संख्या निकालनी है तो इसको निकाल दीजिए इसे 3x या बाई 5x यानी x वैल्यू क्या है 5, तो 3 इंटू 5 इक्वल टू 5 इंटू 5 इक्वल टू 15/25 ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर इसका 3 आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है यानी प्रत्येक में 9 जोड़ देने पर उनका अनुपात इतना हो जाता है, दूसरी संख्या ज्ञात करें, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है हमको, तो दो संख्या कौन कौन से हैं, तो उसी तरह मान लेंगे 5x मान लेंगे, इसको 9x मान लेंगे। ठीक, अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिए जाते हैं, प्लस 9 या प्लस 9 जोड़ने पर क्या मिल रहा है हमको 16:27 मिल रहा है, गुना कर देंगे इसी तरह, तो 27 में 5 से करेंगे तो कितना हो जाए 7 × 5 = 35 के 5 × 3 15 × 16 = 18 13 7 × 5 = 3 × 5 = 10 × 15 प्लस 29 × 27 = 9 × 7 = 63 3 × 6 9 × 18 = 19 = 24 200 इतना इक्वल टू, इससे इसे गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, 9 × 6 = 24 4 × 5 और 9 × 9 = 5 = 14 144 प्लस 9 से इसमें करेंगे तो 144। ठीक, अब देखिए ये प्लस इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 135 x - 144 x = 144 इधर जो इधर प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा 243, घटा देंगे इसमें से दोस्तों कितना हो जाएगा तो 35 × 5 = 40 9 x बराबर हो जाएगा, इसको इसको घटाएंगे तो 3 में से नहीं जाएगा तो 9 हो जाएगा, अभी कितना हो जाएगा 243 को 144 से घटा देंगे कितना हो जाएगा 9 × 13 = 9 × 4 = 13 3 हो जाएगा, 13 लेंगे फिर 9 हो जाएगा यानी 99, यानी x की वैल्यू ये देखिए माइनस में होगा, दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल है, x बराबर 99/9 है यानी x की वैल्यू क्या आ गया दोस्तों 11। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या कौन है, ये है ना, तो 9x बराबर 9 × 11 = 99। थर्टी एट नंबर यानी 1:2 एक्स बाई 2×2/3x में क्या कर रहा है, बढ़ाने पर 15 बढ़ा देना, 15 बढ़ा दे रहा है, अरे वो कितना हो जा रहा है 1×2/3 या बाई
टू पूर्णांक एक बटा दो। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, पहले सिंपल सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन है इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो क्या करें, दो एक दो एक तीन बाई थ्री बाई टू एक्स प्लस पंद्रह बाई तीन दून छः बाई दो आठ बाई थ्री एक्स प्लस पंद्रह बराबर तीन एक तीन दो पाँच बाई तीन बराबर दो दून चार एक पाँच बाई दो हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों इसको क्या करेंगे, ऊपर को एलसीएम लेके चलेंगे ठीक ना, तो ये तो थ्री एक्स हो जाएगा, यही थ्री एक्स कर देते हैं आठ एक्स हो जाएगा। अब देखेंगे दोनों के ऊपर वाले से में एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, टू थ्री एक्स प्लस तीस बड़ा एलसीएम ये वाला हो जाएगा। अब ये में तीन कॉमन ले, तीन एलसीएम लेंगे, दोनों नीचे क्या छिपा है एक, तो तीन कॉमन लेंगे तो एलसीएम ले लेंगे इसका, तो एट एक्स प्लस पन्नती है पैंतालीस बराबर इसको प्लट देंगे फाइव बाई थ्री और इसको ऊपर चलेंगे टू बाई फाइव, फाइव बाई कैंसिल। अब देखिए तो कितना थ्री एक्स प्लस थर्टी, लेकिन नीचे वाला थ्री को ऊपर में चल जाएगा, ऊपर वाला थ्री टू नीचे चलाएगा, थ्री हो जाएगा एट एक्स प्लस पैंतालीस, ऊपर वाला क्या हो जाएगा टू नीचे चला, बराबर कितना हो जाएगा टू बाई थ्री, कितना हो जाएगा तीतरी का बराबर तीतरी का नौ, तीतरी का नौ एक्स प्लस तीतरी है नब्बे बाई आठ दूनी सोलह एक्स प्लस पैंतालीस दूनी नब्बे बराबर टू बाई थ्री। अब क्रॉस मल्टीपल इसको भी कर देंगे कितना हो जाएगा, नतीजे सत्ताईस एक्स प्लस सत्ताईस दो सौ सत्तर बराबर सोलह दूनी बत्तीस एक्स प्लस नौ दूनी अठारह एक सौ अस्सी। अब यहाँ थोड़ा लेके चल लेते हैं, देखिए तो इधर प्लस इधर जाएगा माइनस, सत्ताईस एक्स माइनस बत्तीस एक्स बराबर एक सौ अस्सी, इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा दो सौ सत्तर, कितना हो जाएगा सात पाँच बारह फाइव एक्स माइनस फाइव एक्स इक्वल टू इसको इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आठ दो दस दो सात दो नौ नब्बे। देखिए तो माइनस में दोनों में तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी एक्स बराबर हो जाएगा नब्बे या बाई पाँच अठारह पाँच नब्बे, इसका एक्स की वैल्यू क्या आ गया दोस्तों अठारह, एक्स का वैल्यू एक्स वैल्यू क्या आ गया अठारह यानी एटीन आ गया। अब देख करेंगे इसमें सबसे बड़ी जो संख्या है उसको निकालना है, तो देखिये दो संख्या माने हैं एक ए आ एक ए, तो देखिये तो एक पुनः एक बटे दो ये छोटा है ये बड़ा है, तो बड़ा का वैल्यू निकालेंगे तो बड़ा का वैल्यू कितना है मेरा यानी आठ एक्स बाई थ्री यानी एट एक्स बाई थ्री यानी एट इंटू एक्स वैल्यू क्या है अठारह बाई थ्री छत्तीस अठा छः अठ छतालीस यानी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फोर्टी एट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, कह रहा है कि दो संख्या है एक 39 नंबर क्वेश्चन दो संख्या है 5x और 7x हो जाएगा ठीक, एक प्रत्येक संख्या में 9 घटाया जा रहा है, प्रत्येक संख्या में 9 घटाने पर क्या मिल रहा है सेवन बाई एलेवन, इसको हल कर देंगे ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। चलिए क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ग्यारह पचे पचपन एक्स माइनस नौ ग्यारह नौ निन्यानवे इक्वल टू सतसठ से उनचास एक्स माइनस नौ सत तिरसठ, इधर आइए पचपन एक्स माइनस फोर्टी नाइन एक्स इधर माइनस उधर जाएगा प्लस माइनस सिक्सटी थ्री और प्लस नाइन्टी नाइन, कितना हो जाएगा फोर्टी नाइन छः छः एक्स बराबर इसको घटा देंगे प्लस माइनस 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 होगा लेकिन प्लस के चिन्ह है बड़ा है, जो चिन्ह बड़ा होता है उसी को सिंबल लेके चलेंगे ठीक ना, तो देखेंगे प्लस माइनस माइनस क्रिया को माइनस का लेकिन सिंबल होता है कितना हो जाएगा सात है तेरह नौ चार तेरह नौ में से घट जाएगा छ छ तीन नौ यानी छत्तीस यानी एक्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों छत्तीस बाई छ यानी छठ एक्स वैल्यू क्या होगा छ। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह
है कि इन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो दो संख्या निकालें, संख्या पहले निकालेंगे, संख्या बराबर 5x, 5x यानी 5 गुने 6 इक्वल टू 30, एक 7x यानी 7 गुने 6 यानी 42, अंतर बराबर 42 माइनस 30 इक्वल टू 12। लास्ट नंबर क्वेश्चन दोस्तों 40, 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे यार। कह रहा है कि तीन कक्षाओं में तीन का अनुपात इतना है, 2x, 3x और एक 5x है, सबका अनुपात दिया था तो हम x x मान लिए, ठीक ना। अब कह रहा है प्रत्येक विद्यार्थी में, कह रहा है कि 40 से विद्यार्थी बढ़ा दी जाती है, इसका अनुपात क्या हो जाता है, इसका अनुपात 4, 5 और 7 हो जाता है। अब देखेंगे कि इसका ये अनुपात है, इसका ये अनुपात है, इसका ये अनुपात है, तो प्रत्येक में 40 के बढ़ाने का है, तो मान लेते हैं 2x प्लस 40, 3x प्लस 40, 5x प्लस 40, ठीक। अब कह रहे क्वेश्चन, हम देखेंगे दो ही को कंपेयर लेके चलेंगे, ठीक ना। तो क्या लेके चलेंगे, 2x प्लस 40 बाई 3x प्लस 40 इक्वल टू 4/5, इसको हल कर देंगे आ जाएगा। देखिए 5 दूनी 10x प्लस 5 20 बराबर 34 12x प्लस 4 16, घटा देंगे इधर से 10x माइनस 12x बराबर 160, इधर प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा 200, यानी माइनस 2x बराबर माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर हो जाएगा 40/2, यानी x वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों 20। देखिए तो प्रारंभ में देखें तो 2x प्लस 3x प्लस 5x दिया हुआ है, सबको जोड़ देंगे यानी 10x, x वैल्यू क्या है मेरा 20, तो यानी 10 × 20 इक्वल टू 200, प्रारंभ में कितने थे 200। दोस्तों आज का क्लास हमारा यही समाप्त होता है अनुपात समानुपात का, तो यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलते हैं हम लोग क्लास की, आज का क्लास हमारा यही समाप्त होता है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपका मिलता रहेगा। आज का क्लास यही समाप्त है, जय हिंद।